हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। आज हम बताएंगे आपको कि कढ़ाई को किस तरीके से चमकाना है, किस तरीके से साफ रख सकते हैं लोहे की कढ़ाई को, तो वो ही मैं आपको बताऊंगी। और फर्श को किस तरीके से साफ रखें जब बच्चे स्कूल चले जाएँ, तो झटपट से काम को किस तरीके से फ्री करें, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह का काम। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो इधर मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देख लीजिए मेरी किचन की ये हालत है। मेरे बच्चे अभी स्कूल गए हुए, मैं खाना बना के हो गई हूँ फ्री। अब मुझे करना है सारा काम। ये मेरा चार्जर था जो मैं मोबाइल को लगा देती हूँ किचन के अंदर जब लाइट नहीं होती है। तो आपको तो पता ही है, जो न्यू है फ्रेंड उनको भी बता देती हूँ, ये मतलब कि कनेक्शन करवाया हुआ है दीदी जी के घर से इन्वर्टर वाली लाइट का। तो इधर देख लीजिए सब्जी मेरी बन चुकी थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी। और इधर मेरी सब्जी बनने के बाद मैं कढ़ाई को रख देती हूँ बाहर की साइड में। और आप देख लीजिए पूरी स्लिप के ऊपर आटा ही आटा फैला हुआ है। तो खाना बनाने के बाद क्या होता है ना, रोटी बनाते हैं तब वो ना जो परोथन लगाते हैं रोटी के अंदर लोई के अंदर, तो उसी के अंदर मतलब कि आटा फैल जाता है। तो इस बार क्या हुआ था, चक्की पे जो आटा डलवाया था वो मोटा पीस दिया है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा मतलब कि परोथन फैलता है स्लिप के ऊपर। तो रोटी करने के बाद जो मोटा आटा फैलता है ना, वो ही मतलब कि चारों तरफ गंदगी कर देता है। मतलब कि ऐसा होता है ना, मक्खियाँ वगैरह कुछ ज़्यादा ही आने लग जाते हैं। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, तब मैंने भिंडी काटी थी सुबह, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। जिस तरीके से मैंने सब्जी धुल के भिंडी काट के और इधर ही मैंने उसका छिलका वगैरह रख दिया था। मैंने कहा कि पहले मैं खाना बना के और काम करके फ्री हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं इनको फेंकूँगी। तो मेरे बच्चे को मैं खाना बना के दे चुकी हूँ और लंच भी उनका पैक करके मैंने दे दिया है, वो चले गए हैं स्कूल। अब मुझे करनी है स्लिप की सफाई, तो झाड़ू लगा के सारा कचरा मैं फेंक आई हूँ। अब आ गई हूँ मैं स्लिप के पास, तो स्लिप के ऊपर करना है मुझे पहुँचा। तो पहुँचा मैं मतलब कि सुबह भी कर लेती हूँ और रात को सोते टाइम भी करके ही रखती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब कि ऐसा होता है ना कि खाना पीना बनाना होता है, तो इधर गंदगी वगैरह ना मिले तो ये अपना काम अच्छे से तरीके से निबट जाता है। तो उसके बाद सुबह मैं इस टाइम पे करती हूँ, मतलब कि खाना बना लिया है। और खाना बनाने के बाद जो कुछ भी हो जाता है, मतलब कि इधर का उधर सामान होता है उसको भी सेट करना होता है, और फिर उसके बाद ये खाना पीना बनाते हैं, उस टाइम ये तेल कहीं आटा कहीं कुछ फैल जाता है तो उसको भी सही करना होता है। तो मतलब कि सारा कुछ मैंने यहाँ से हटा टू के साफ़ कर लेती हूँ। इधर मैंने गैस के नीचे भी पोंछा लगा लेती हूँ, क्योंकि रोटियाँ बनाते टाइम और सब्जी बनाते टाइम थोड़ा बहुत है ना नीचे चिकनी वगैरह या फिर आटा वगैरह गिर जाता है नीचे। तो इधर मैं अब करूँगी, इधर स्लिप को साफ़ करने के बाद मैं लगाऊँगी ज़मीन में पोंछा। तो आज फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी लोहे की कढ़ाई को किस तरीके से साफ़ करते हैं। जब लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते हैं तो बहुत ही सही रहता है, और जिसमें मतलब कि आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी भी पूरी कर देता है लोहे की। हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही खाना बना के खाना चाहिए। हाँ, ये होता है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते टाइम सब्जी बनाते हैं तो वो उसमें ब्लैक हो जाती है, ज़्यादा मतलब कि येलो कलर नहीं आता है, हल्का रहता है येलो, मतलब ज़्यादातर ब्लैक ही कलर आ जाता है। पर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, जितना भी मतलब कि आयरन की जो पालक से हमें मिलता है वो ही हमें लोहे की कढ़ाई से भी आयरन हमें मिल सकता है, जो हमारे शरीर में पूर्ति कर सकता है। जो सिल्वर के खाने में मतलब कि सिल्वर की कढ़ाई में बनाओ उसमें उसकी सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी भी नहीं लगती और ना ही हेल्पफुल होती है। तो हमेशा मैं लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाती हूँ। तो मेरे बच्चों को भी मतलब कि लोहे की कढ़ाई का ही अच्छा लगता है, हस्बैंड जी हैं वो भी बोलते हैं लोहे की कढ़ाई का ही सही लगता है। जब कभी मैं सिल्वर में बना लेती हूँ, सिल्वर की कढ़ाई में या फिर प्रेशर कुकर में, तो जैसे दाल वगैरह ही बनाती हूँ, नहीं तो सब्जी में कढ़ाइयों में ही तड़का वगैरह लगाती हूँ मैं। प्रेशर कुकर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बस आलू उबालने में और दाल उबालने में ही यूज़ करती हूँ, और फ्राई वगैरह में सारा ही फ्राई पैन या फिर कढ़ाई के अंदर ही मैं कर लेती हूँ। तो इधर देख लीजिए सारा बाहर की साइड में भी मैंने पोंछा लगा लिया है, और इधर के जो बर्तन रखे हुए थे तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि उनको भी हटा दिया है क्योंकि उनको भी मेरे को साफ़ करना है। तो इधर जितनी भी चप्पलें वगैरह पड़ी थी सबको मैं हटा के एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं स्कूल, इधर का उधर कहीं कुछ फेंक देते हैं, तो मुझे करना होता है साफ़ सफ़ाई सुबह सुबह। तो
इसी के मतलब कि ऐसा होता ना, चप्पलें कहीं किसी ने कहीं फेंक दी, किसी ने कहीं फेंक दी, मतलब कि हमारी दीदी वगैरह सबके बच्चे हैं तो उनका सबका काम मतलब कि चप्पलें वगैरह हैं, और थोड़ा बहुत काम भी मैं उनका निपटा देती हूँ। तो इधर देख लीजिए बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण सब में गीला पड़ा हुआ है, तो अब मुझे मतलब कि भरना है पानी वगैरह, तो उससे पहले मैं ये बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये सारी खाली बर्तन आप देख रहे हैं, इनको सबको मांजना होगा, और ये मेरी देवरानी जी गई हैं मेरे पीछे से होके निकल के, और मुझे करने हैं अब ये बर्तन साफ। तो सबसे पहले मैं बटल को मांज लेती हूँ, बटल को मांजने के बाद सारे में जो भी बर्तन हैं उनको सबको मैं मांज लूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, और मुझे जल्दी जल्दी से ये काम निपटाना है। लाइट का भी टाइम हो गया है, इधर मेरी जो जिठानी दीदी हैं उनकी बेटियाँ हैं वो भी मेरे से बात करती जा रही हैं, तो इधर मैं काम भी करती जा रही हूँ। तो इधर मैं जो बर्तन मतलब कि ये बाल्टी वगैरह पड़ी है इसके अंदर पानी है, तो पानी रखा हुआ है, पानी मतलब कि इससे ही धुल लेती हूँ। तो कढ़ाई को साफ़ करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें साबुन लगाया, ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई काली हो जाती है, तो सबसे पहले मैंने इसमें साबुन लगाया, फिर मैंने इसको ईंट से घिसा। तो ईंट से घिसते हो आप तो इसके जो बारीक कण निकलते हैं उससे मतलब कि घिसने की वजह से, उसमें घर्षण होने की वजह से ये बिल्कुल ना स्टील की तरीके से साफ हो जाती है। आप जब भी करो तो ना एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा लेना, उससे आप इसको रगड़ सकते हैं कढ़ाई को, तो इससे बिल्कुल ये सही हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको ईंट ना मिलो तो दीपावली के टाइम पर जो दिए आते हैं तो उनका आप क्या करोगे, उन दियों को लेना, और आप कद्दूकस की जो होती है ग्रेटर, कद्दूकस या जो कुछ भी बोलते हो आप, कद्दूकस या फिर ग्रेटर वगैरह, उससे आप दियों को भिगोने के बाद ही वो घिसे जाएंगे, उसको भिगो लेना, भिगोने के बाद उस ग्रेटर से घिस लेना, और जो उसकी मिट्टी इकट्ठी करके आप डिब्बी में भर के रख लेना। फिर क्या करना, साबुन और सर्फ में मिला के उस डिब्बी सॉरी उस मिट्टी को आप अपना कढ़ाई के ऊपर रगड़ सकते हैं, किसी पॉलीथीन या फिर जो बर्तन बाहर होता है जो बर्तन साफ़ करने वाला एक्सपर्ट होता है उससे आप रगड़ सकते हैं, जिससे आपकी कढ़ाई बिल्कुल स्टील की तरीके से साफ और क्लीन हो जाएगी, इसकी चिकनाहट भी दूर हो जाएगी और आपकी कढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल साफ़। तो इधर मैं कर लेती हूँ, पहले ये बर्तनों को मान लेती हूँ जो पानी भरा जाएगा, तो लाइट आने के बाद जो पानी भरा जाता है उन बर्तनों में कर लेती हूँ साफ़, फिर इसको मैं धोऊँगी, धुलने के बाद फिर मैं रख दूँगी इसको ढककर, ताकि ना जब मैं पानी भरूँ तो ये गंदे नहीं हो उससे पहले। तो इन सारे बाल्टियों को मैं धो दूंगी। तो ये मतलब कि आपको तो पता है, जो न्यू फ्रेंड है उनको नहीं मालूम होगा, जो ओल्ड मेरे फ्रेंड है उनको सबको पता है कि ये मेरा सुबह का डेली का रूटीन रहता है। तो अब मैं जो भी मैंने पानी भर के रखा हुआ था उसी से मैं इन बर्तनों को धो दूंगी। तो इससे क्या होता है मतलब कि ज़्यादा पानी वेस्ट भी नहीं होता है, और हाथ से बर्तन धोने के बाद पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो ये सारे बर्तनों को मैंने मांग लिया है, मांग के मैंने इनको धुल दिया है, अब लाइट आएगी तो भरूँगी। इधर मैं सारे बर्तनों को ले जाती हूँ, तो मैंने अभी इस तरफ रख दिया है। और क्या करना है, कढ़ाई को जब लोहे वाली कढ़ाई को अगर गीला ही रख देते हैं तो वो क्या करते हैं ना, काई लग जाती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, सूती कोई सूखा कपड़ा लीजिएगा। तो मेरे पास ये सूती कपड़ा है, ये सूती कॉटन का कपड़ा है, मतलब कि कोई भी आपके घर में जेंट्स की टी शर्ट वगैरह हो वो भी आप कर सकती हैं, अगर सूती नहीं हो तो वो मैंने इसी तरीके से, जेंट्स का ये मेरे हस्बैंड जी हैं उनका ये कमीज़ का थोड़ा सा कपड़ा मैंने फाड़ लिया था और इसी से मैं पोंछ के रख देती हूँ। तो सूती कॉटन से पोंछने के बाद कढ़ाई आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी, इसमें काई वगैरह भी नहीं लगेगी। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, कढ़ाई को हमेशा सूती कॉटन के कपड़े से ही पोंछ के रखना है जब भी धुलने के बाद, तो इसमें बिल्कुल भी काई नहीं लगेगी, और जब भी आप खाना बनाने जाओगे तो आपको आपकी कढ़ाई चमचमाती हुई मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के ब्लॉग से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत शायद समझ में आया होगा, आपको कुछ तो मतलब कि हेल्पफुल लगा होगा मेरा आज का ब्लॉग वीडियो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे ब्लॉग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।